नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। मध्य प्रदेश के बीहड़ों में एक बार फिर डकैतों की दस्तक देखने को मिल रही है। ये डकैत राजस्थान की सीमा से होते हुए चंबल के रास्ते मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। डकैतों की जानकारी मिलने पर धौलपुर पुलिस ने मुरैना पुलिस के साथ मिलकर भारत गुर्जर और रामनिवास गुर्जर गैंग के खिलाफ सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने डकैतों से हुई मुठभेड़ में 3,000 के इनामी डकैत सोने राम गुर्जर के साथ दो डकैतों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के लिए बताते हैं कि पुलिस के हत्थे चढ़ा सोनेराम गुर्जर कुख्यात डकैत भरत गुर्जर का पिता है। बीहड़ों में काफी समय से डकैतों की मूवमेंट देखी जा रही है। हाल ही में धौलपुर पुलिस ने मुरैना पुलिस के साथ मिलकर डकैती के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके सवाल उठता है कि जब धौलपुर पुलिस को डकैतों की मूवमेंट के बारे में जानकारी है तो फिर मुरैना पुलिस को डकैतों की जानकारी क्यों नहीं है, जबकि डकैतों की मूवमेंट चंबल इलाके में चल रही है। डकैतों के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने जो अभियान चला रखा है उसके तहत हमें इनपुट मिला था कि कुछ प्रमुख गैंगों की लोकेशन जो है वो चंबल के किनारे यहाँ सीता ये सती माता मंदिर के पास में इनकी लोकेशन है। इस पे हमने एसपी साहब मुरैना श्री आशीष जी से बात की। बात करके हमने जॉइंट ऑपरेशन यहाँ प्लान किया और एमपी पुलिस के साथ और राजस्थान पुलिस के साथ हम जॉइंट यहाँ कॉम्बिंग की सर्च ऑपरेशन चलाया है, जिसमें हमें दो संदिग्ध लोग मिले हैं, उनसे पूछताछ जारी है। नहीं, मुठभेड़ फायरिंग की है, बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों की लोकेशन यही है, कहीं छुपे हुए हैं बीहड़ में, उनके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ इनामी है ये लोग राजस्थान से? इनामी हैं, काफ़ी सारे इनामी गैंग हैं जिनमें यहाँ रामविलास और भरत गैंग के होने की संभावना। अभी जो धौलपुर एसपी साहब हैं उन्होंने बताया था हमें कि उनके यहाँ के कुछ वांटेड आरोपी हैं, तो वो जो चंबल नदी के किनारे जो मुरैना का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे उनकी लोकेशन आई। तो हम लोगों ने अभी एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया है, तो उसमें अभी दो संदेह मिले हैं, तो आगे और लोग के होने की संभावना है। ये वहाँ पे उनका जो एक रामविलास और भारत गैंग है जो वहाँ पे अभी धौलपुर से फरार हैं, इनामी हैं, तो उनकी संभावना बताई जा रही है। नहीं, अभी कोई जगन का हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। दो तीन लोग थे, दो तीन फायर हुए हैं ऐसी बताया गया है और उसको अभी वेरीफाई करते हैं। मुरैना से गजेंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाज़त, आप बन रहे न्यूज़ आज के साथ।